तमाशा लगा रखा है, क्यों शोर मचा रहा भाई? ए, संगीत और शोर में फर्क समझो। हाँ, मैंने सोचा कुछ बजा दूं ताकि आप बोर ना हो। ये भोपू बजा के तुम्हें लगता है कि तुम हमारी बोरियत दूर कर रहे हो? नहीं तो उसके लिए हम आपको उधर लेके जाएगा, वहाँ जंगल में रातों रात कैंप करेंगे। ग्रेट आइडिया, स्टूपिड आइडिया। अरे वहां जाके और बोर होगा। बोरियत दिमाग में होती है, जगह में नहीं। जिसको आने का है आओ, जिसको नहीं आने का इसका क्या मतलब है मुझे नहीं समझ में आता, मगर हम में से कोई नहीं जाने वाला, समझे? चंदन भाई, जस्ट बी अ स्पोर्ट। जंगल का असली मजा जंगल में होता है ना। लेट्स गो। क्यों सुजल? यस मैम, बहुत मजा आएगा, है ना समीरा? आप लोग जाओ, मेरे को अकाउंट देखने का जी। मूर्ति साहब, अकाउंट्स वकाउंट्स छोड़ दीजिए, हम सब मिलके चलते हैं। लक्ष्मण, साला पुन्ने जाएगा। ये शर्मन को शूटिंग के वक्त जेलना मुश्किल है, तो वहां जंगल में जाके क्या मंगल होगा? नहीं रखा, स्टार के साथ दोस्ती से कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ। कैंपिंग का आइडिया सुपर्ब है सुजन। यस सर। क्या पता कोई स्क्रिप्ट आइडियाज मिल जाए या कोई माइंड ब्लोइंग लोकेशन। यस सर। जी हाँ, आप जाएंगे तो मैं भी जा पाऊंगा सर जी। अबे ये भी कोई पूछने की बात है ढक्कन, अगर तू नहीं जाएगा तो मेरा सामान कौन उठाएगा? एंड आशा, आर यू श्योर कि जंगल में जाना इज नॉट टू डेंजरस? इट विल बी थ्रिलिंग। आशा, what's the big deal? अब ऐसे तो सर्कस में बंदर भी अच्छी गाड़ी चला लेता है। हर इंसान के अंदर एक बंदर रहता है। सेतु जी, मुझे तो सारा जंगल एक जैसा लगता है। आपको कैसे पता चलता है कि हम कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? ये जंगल घर है मेरा। अब घर में कहाँ क्या है वो क्या ढूंढ। जंगल जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ। कितने देख चुके हो? ये पहला। मूर्ति जी, हम सब लोग पागल है जो आपने फोन वहीं छोड़ के आए। आपने सिद्धू को सुना नहीं? यहाँ मिलो तक नेटवर्क नहीं मिलता है। अयो राका, ये फोन फोन करने के लिए नहीं जी, पॉट कैच के पॉट देखने के लिए। किसका? क्या हुआ? अयोड़ा, अबे बोलना क्या हुआ? ये सैद तो जी, क्या हुआ जी? पेट्रोल खत्म क्या? अभी सब लोग यहाँ से पैदल जाएगा। अयोड़ा क्यों? चल भाई लक्ष्मण।
करेगा नहीं ना? उंगली करेगा तो आंख पे आएगा। और किसी ने किया तो? लक्ष्मण एक बैग मुझे दे दो। रहने दीजिए मैडम। दे दो लक्ष्मण। आदत हो गई है मैडम। आशा रहने दो, उठाने दो से। इसी के लिए तो पैसे मिलते हैं। जी। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं पता था कि मैडम इतने सेंसिटिव हैं। Don't take judgmental for people, okay? मूर्ति साहब, अरे आपकी एज का पेड़ लग रहा है। आज मेरा जैसा लगता है जी, लेकिन शक्ल आपका जैसा लगता है जी। आइए। सरकार जी को भी हार मत के देता। ये मेयर का दस, ये मेयर का हाल देखा जी। अरे शर्मा मत। हाँ आइए। आइए आइए। या संभाल के जी। मैडम, क्या मैं आपका बैग ले लूँ? नो थैंक्स। यू कुड कैरी माइन। कहाँ? किधर है? किधर? चला गया। बहुत बड़ा फेंक हुआ है फसाड़। चलो आगे देखते हैं, पता नहीं क्या क्या फेंकेगा। आओ चलो। हेलो सर। यस सर। ओके सर। समीरा, गेस व्हाट, जे जे सर ने हमारी अगली फिल्म के लिए आशा जी को साइन किया है। यू मस्ट बी थ्रिल्ड ना? आशा जी कहो। मैं पब्लिक हूँ, जिसको जो चाहूंगी कहूंगी। हेलो मैडम, इस वक्त तुम पब्लिक नहीं, सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर हो, और आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट करना सीखो। और अब मेरे शर्मन जी का नंबर ढूंढो। रोहित, तुझे मालूम है हेल्प करेगा? जी सर। हाँ, तुझे मालूम है इस फिल्म की सारी लाइनें मैंने लिखी हैं। अच्छा ये वाली सुन। मिस्टर चौहान, तुम्हें बाप बुलाते हुए मुझे शर्म आती है। बोलिए सर। आई टोल्ड यू मैन, आई टोल्ड यू। सर, जी जी सर के फोन से। हाँ जी जी। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? एक बॉटल भी ढंग से नहीं पकड़ सकता। सॉरी सर। गधे का गधा ही रहेगा, बेवकूफ। हाँ tell me. Achha? Hey, that's great news, man. Congrats. Okay. Take care. Finally, I'm doing a film with Asha. But jo uska producer hai na, wo sala Murthy, bahut hi makki chuse hai. Fir kyun kar raha hai? JJ ne Asha ko sign kiya hai, isliye. You know what? There's a raw appeal about that girl. आशा भी। हेलो शर्मन सर, मैं जेजे सर का असिस्टेंट डायरेक्टर सुजल। हाँ सुजल, बोलो बोलो। 5 तारीख को हम जा रहे हैं। हाँ ठीक है। जेजे सर ने एक माइंड ब्लोइंग लोकेशन ढूंढा है। अच्छा एक बात बता मेरे को कि अपनी फिल्म का एक्शन डायरेक्टर कौन है? हेलो राका जी, मैं सुजल। हाँ बोलो सुजल। कुछ नहीं, बस आपकी डेट्स चाहिए थी, 5 से 26 तक। अरे क्या यार सुजल, लास्ट मोमेंट पे फोन कर दो मुझे आप। राका जी अब मैं क्या करूं, जेजे सर ने भी तो अभी बताया है। या ओके, हीरो कौन है? शर्मन जी। कौन? शर्मन कपूर। अरे यार तुम्हारे जेजे का और कोई मिला नहीं क्या? हाँ अरे यार जूनियर आर्टिस्ट की भी औकात नहीं उसकी। राका जी अब मैं क्या बताऊं। हाँ ठीक है कैमरा कौन कर रहा है? शाकी ना। सर
सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सुजल का फोन। आशा जी, मैं सुजल, जे जे सर का ईडी। हाँ, डेट कंफर्म हो गई है। शादी की डेट? जी, 5 से 26 तक। हाँ शाह जी, लोकेशन बहुत दूर एक जंगल में है। वहीं हनीमून मनाएंगे। शट अप मैडम। नहीं मैडम, आपको नहीं, आपको नहीं। हाँ ओके ओके मैडम, आई विल लेट यू नो। या ओके मैडम, थैंक यू मैडम। कांट यू जस्ट शट योर माउथ? यू शट अप, यू आर मैड। ये डायरेक्टर साहब, ये लोकेशन में 15 दिन में काम फिनिश कर सकता क्या? आप फिल्म बनाना नहीं, खत्म करना चाहते हैं? ये डायरेक्टर साहब, मैं इधर फिल्म बनाता, ताजमहल नहीं बनाता जी। आज DVD और VCD का दौर है मूर्ति जी, और इसीलिए हर फिल्म हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगी, और आने वाली पीढ़ियां हजारों सालों तक वही फिल्में देखेगी। अय्योड़ा, ये क्या पीढ़ी का बात करता है, क्या हजार साल का बात करता जी। आज की डेट में 90% फिल्म फ्राइडे फर्स्ट शो 4 आदमी बैठ के देखता, उसमें भी एक सोता बात करता। अरे छोड़िए दूसरी फिल्मों को, मैं अपनी फिल्म की बात कर रहा हूँ। ये फिल्म जो मैं बनाने वाला हूँ हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। अय्योड़ा, ऐसा बात क्या, अंदर जा के वोट मारना। मुझे मालूम है, मैंने अपनी पिछली फिल्म के बारे में भी यही बोला था, लेकिन उस फिल्म की रिलीज डेट ठीक नहीं थी मूर्ति जी। क्लाइमेक्स में भी कुछ गड़बड़े गड़बड़े कभी कभी हो जाता है। ये मैं सालों से बोलता आया जी, क्या बात करता जी। ये देखो प्लेन आ गया, ये बॉलीवुड का सुपर स्टार शर्मन कपूर। डायरेक्टर साहब, यह वर्जिन लोकेशन बोल के मेरे को क्या वीराने में लाया जी। ये मेरे को बहुत सताएगा जी, ये मेरे को सताया। ये मैं इसका टांग तोड़ के इसके हाथ में नहीं दिया, मेरा नाम मूर्ति नहीं अपर गुरिल्ला। वेलकम सर। अय्योड़ा, कांग्रेचुलेशन सर। फॉर व्हाट? फॉर सेफ एंड हैप्पी जर्नी सर। सेफ जर्नी? आपको क्या लगा था मेरा प्लेन क्रैश हो जाएगा? अय्यो, ऐसा बात नहीं करने का जी, आप शक्ल। बाय द वे, ये जगह क्या है? ये एयरपोर्ट जी, एक कान के नीचे रख के दूंगा मैं आपके। अय्योड़ा, आप मुझे अंधा समझते हैं क्या? अय्यो नहीं जी, इससे बकवास एयरपोर्ट मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अय्यो कैसा बात करता जी, बॉलीवुड का सुपरस्टार शर्मन कपूर के लिए गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन लेके आपका प्लेन इधर ले। ये प्लेन मंगवाया आपने? आया है शर्मन, जिंदगी में नहीं देखा, इज टू ओल्ड अ डायलॉग। हाय आया। ये मैडम, वेलकम मैडम, वेलकम मैडम, वेलकम मैडम। आई यू लुकिंग ब्यूटीफुल। या मैडम का बुके किधर है, लाओ रे। बुके लेके मैं क्या करूंगी, रहने दीजिए। ये लोकेशन यहाँ से कितनी दूर है? अयो 3 घंटा, 3 घंटा 3 मिनट में रफू चक्कर। वो कैसे? आई नो यू, यू लाइक नेचर। आप प्लीज मेरे कॉस्ट्यूम का ख्याल रखिए। आयो रा, ए ड्रेस सुजल, सुजल, मैंने वो तुमसे हिंदी डायलॉग्स के लिए कहा था, लेकिन उसमें सिर्फ इंग्लिश डायलॉग्स हैं। नहीं मैडम, वो भी उसी कॉपी में, इंग्लिश डायलॉग्स के बाद। ओह, आई एम सो सॉरी, आई डिडंट सी इट। हाउ स्टूपिड, इतना भी नहीं देख सकती कि क्या कहां पर है। कम ऑन समीरा, मिस हो गया होगा, हो जाता है। तुम्हारे लिए तो वो जो करे सही है, मुझे पता है तुम उसके बारे में क्या लगता है। समीरा, डोंट टॉक नॉनसेंस, वो एक हीरोइन है और मैं सिर्फ एक असिस्टेंट डायरेक्टर। क्या कर रहा है, ढंग से नहीं बना सकता, ढंग से बना। जी जी सर। छोड़, हो गया छोड़। देखा साले को 10 पैसे की एक्टिंग नहीं आती है, और अपने आप को सुपरस्टार समझता है। अरे भाई राका, 3 पिक्चर हिट है इसलिए तो सुपरस्टार है, और वजह चाहे कुछ भी, उससे क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी कामयाबी का आदमी के काम से क्या लेना देना। क्या ये बस है सर? तो काम के नीचे रख के दूंगा मैं आपके, मुझे दिखता नहीं क्या है बस। क्या मजाक लगा रखा है आपने। आपको पता भी है कि आप यहाँ किसके साथ डील कर रहे हैं? You're dealing with Sharman Kapoor, Sharman Kapoor the star। मैं इस घटिया बस में जाने वाला हूँ।
शर्मन जी मेरा बात सुनो जी, जो रास्ते से हम जाते ना वो रास्ता बहुत ऊपर नीचे अयो इधर कार नहीं जाता जी, बड़ा बस जाता छोटा कार नहीं जाता। तुम्हारी फिल्म साइन करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है अयोड़ा। Your only concern is कि थोड़े पैसे कैसे बच जाएं। But what you don't realize out is that you're dealing with Sharman Kapoor. I'm going back to Mumbai. आप नहीं जा सकता। आप रोकेंगे मुझे? आइयो, अगले तीन दिन तक कोई फ्लाइट नहीं जी। What? या हफ्ते में सिर्फ दो दिन फ्लाइट। This is crap. आइयो, this is crap. आप लोग जानबूझ के मुझे फंसा रहे हैं। मुझे नहीं रहना यहाँ पे। आइयो, मैं क्या करेगा शर्मन जी? मैं ओनली प्रोड्यूसर जी। ये डायरेक्टर को ये लोकेशन मांगता है तो मैं क्या करेगा जी? आई एम गोल्डन प्रोड्यूसर विद गोल्डन फोन। ये मेरे को भिखारी बना दिया जी, 40 दिन तक लोकेशन है लोकेशन। लुक एट मी। जब तुम स्क्रीन पे वो लोकेशन देखोगे तो तुम खुद जाके सबको सॉरी बोलोगे, यहां तक कि मुझे लगता है तुम वहीं जाके रहोगे। द एंड रिजल्ट मैटर्स। क्या शर्मन भाई, जस्ट बी अ स्पोर्ट। हर चीज में कंप्लेन करने का क्या मतलब? आशा, तुम बस की हालत देखोगे। अब हम यहाँ आ ही गए हैं ना? हाँ, पर एंड आई एम श्योर द लोकेशन विल बी फैंटास्टिक। यही करें। ओके, इफ यू से सो देन। मुझे भाई बुलाने की क्या जरूरत है? क्यों शर्मन भाई? फिर भाई देखो, मैं हीरो हूँ, तुम हीरोइन हो, तो बीच में ये भाई का से टपक पड़ा यार। हीरो हीरोइन तो फिल्म में है ना शर्मन भाई? ये बार बार भाई क्या लगा रखा है? देखो, why don't you just call me Sharman? Such a sweet name, Sharman. Don't call me Sharman भाई. No. क्यों? मैं देखो, इसके पीछे बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। जब तुम मुझे भाई बुलाओगी ना, तो जब हम रोमांटिक सीन्स करेंगे तो वो फीलिंग नहीं आएगी, जरा परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो जाएगी। तो जस्ट शर्मन, प्लेन एंड सिंपल शर्मन। फाइन, श्योर। ओह या, यू आर श्योर? थैंक यू। गुफ्तगू तो देख, दोनों के बीच बहुत चल रहा है। आशा ने एक बार मुंह खोला, स्टार फॉरेन मान लिया। हे आशा जी, कहो, तुमने सुना नहीं? आशा जी ने उसे शर्मन भाई कहा, भाई। सब दिखा रहा है, हम सबको झांसा देने के लिए। और तुम्हें झांसा देकर उन्हें क्या मिलेगा? आशा जी के बारे में तुम्हें आदत है बकवास करने की, और तुम्हारी आदत है अंधा बने रहने की। शट अप। यू शट अप। लक्ष्मण जी सर, पानी पिला। ये लीजिए सर। कितनी बार बोला है ढक्कन खोल कर? जी सर, सॉरी सर। दूंगा मैं इसको, आप होटल कहते हैं? ये होटल है? ये शर्मन जी, इधर रहने के वास्ते कोई होटल होटल नहीं जी। इधर एक आदमी सेतु, ये हमारे लिए टेंपरेरी बनाया जी। बहुत छोटे हैं। दिस इज द, ये शर्मन जी, ये सेतु जी, जंगल किंग, ये देखने में आए सा एसएल जंगल किंग। इसे आपने मारा? नहीं, ये खुद आके मर गई। ओए, don't try to act funny with us, samjha? ये कौन है रे? अयो सेतु जी, इनको नहीं जानता जी, ये बॉलीवुड स्टार शर्मन दी कपूर। And who does this idiot thinks he is? चिल्लाता काय को है रे, डर के उड़ गई तो? बस हो गया, अब मैं यहाँ पे एक सेकंड नहीं ठहरूंगा। प्लेन नहीं है ना, कोई बात नहीं, मैं पैदल जाऊंगा। I'll walk। शर्मन भाई, जैसा मैंने कहा, हम लोग यहाँ पे इतनी दूर ट्रैवल करके अपने ही काम के लिए आए हैं ना,
जस्ट बी अ स्पॉट। सेतु जी सॉरी, लेकिन आपको नहीं लगता वाइल्ड लाइफ को मारना गलत है? ये जंगल है, यहाँ दूसरे जानवर और मुझ जैसे जानवर को खुद मार के ही खाना पड़ता है। चलो रूम बताते हैं। यूनिट आपका उधर है और आप लोग इस तरफ। चलिए तुम्हें मेरे साथ रूम शेयर करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम तो तुम्हें होना चाहिए। क्यों? क्यों क्या, मैं एक लड़का हूँ, तुम एक लड़की। But you know now that I love you. Come on, Samira, don't start again. आशा जी क्या हुआ? मेरे बाथरूम के बाहर कोई फोटो खींच रहा था। तुम बस उसका नाम बताओ मुझे। शायद। हाँ शायद। बोलो कौन? सेतु। सेतु ब्लडी। अरे क्या बात कर रही है आशा जी, सेतु पिछले एक घंटे से मेरे साथ था और अभी अभी वो मेरे सामने जंगल की तरफ गया है। सेतु पक्का आपके साथ था? हाँ मेरे साथ था। सेतु नहीं तो और कौन? सोच के बताओ आशा की कौन हो सकता है। तुम बस उसका नाम बताओ मुझे, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। अब रहने दो, हो सकता है मेरा वहम हो सकता है। ये जगह ही कुछ ऐसी है कि कोई भी वहम मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, भ्रम। आर यू श्योर? Sorry for the trouble. तुम्हें क्या लगता है? मुझे क्या पता कि कौन हो सकता है? अरे मैं वो बात नहीं कर रही। फिर? Will they get married? कौन? शर्मन और आशा और कौन? No ways. Don't believe in gossip columns.
छोड़ो गॉसिप कॉलम्स को, ये कहो कि तुम ये बिलीव नहीं करना चाहते। हाँ, कट द क्रैप समीरा, वो स्टार लोग हैं और सिर्फ इसलिए कि वो साथ हैं, यू जस्ट थिंक दैट उनका अफेयर है। सो सिक, दिस इज कॉल्ड विशफुल थिंकिंग, आशावादी। विल यू जस्ट शट अप, जैसे मैंने कहा मैं सिर्फ एक असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ और वो हीरोइन, समझे? मुझे लगा कोई जंगली जानवर आ गया है। इस जंगल में कोई जंगली जानवर नहीं सिवाय मेरे। ऐसे कैसे हो सकता है, इतना बड़ा जंगल है और कोई जानवर नहीं? खरगोश है, हाथी है, सांप है, पर ऐसा कोई जानवर नहीं है जिससे खतरा हो। पर हाथी तो हमला करता है। यहाँ किसी हाथी ने कोई आदमी पे हमला नहीं किया। और सांप? मुंह में हाथ डाले तो ही काटता है। कितना सुकून है यहाँ पर, दूर दूर तक कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। फिर खोल ली इसने अपनी मटन की दुकान। साला इतनी मेहनत अगर वो एक्टिंग पे करेगा कुछ तो होगा उसका। आज के दौर में एक्टिंग में चाहे जितने भी ऐप हो पर ऐप सिक्स पैक्स होना बहुत जरूरी है, तभी हिट पड़ता है। 100 बार बोला कि शक्कर कम डाला कर, जाने लेकर आ। सुजल। यस सर। मुझे सीन डिस्कस करना है। यस सर। आशा कहाँ है? क्या हुआ? अरे ये क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया मैंने? अरे देखो उसको रेल में मार दिया आपने। अगर वो अपने मार्ग पे नहीं आया तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। शर्मन जी, मैंने आपको बोला था वो यहाँ पहुँचने के बाद उसको मारना है आपको, आपने वहीं पे मार दिया। एक मिनट, तुमने मुझे बोला था जब वो वहाँ पे होगा तभी मारना, यहाँ पे नहीं। जी गलती आपकी है। मुर्दे! शर्मन जी चार चार क्या जी? चार कार के नीचे रख के दूंगा, पहला एयरपोर्ट, दूसरा बस, तीसरा होटल और चौथा सफर के लिए। छोड़ दो ना प्लीज, हटाओ से यहाँ से, ये नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे।
क्या बोला था मैंने तुम्हें? पीटर को बुलाओ, एलन अमीन को बुलाओ, मगर नहीं, तुम्हें तो पैसे बचाने हैं ना, तू बुला इस डफर को यहाँ पे। देखो शर्मन जी, मुझे डफर मत बोलो। अरे चल ये शर्मन जी, होल्ड डाउन प्लीज। एलन अमीन मुंबई में जी, पीटर मद्रास में जी, ये थोड़ा आखिरी बार संभाल लो जी। ये राका जी, थोड़ा ट्रेन फाइटर लाने का बिंडी बाजार से लाया गया। मूर्ति साहब, मेरे फाइटर की गलती नहीं है, गलती शर्मन जी आपकी है, सिर्फ आपकी है। फिर से बोल। देखो गलती आपकी है, मेरी है। राका जी, गलती आपकी नहीं, मैं बोलता जी। भाई भाई छोड़ दो ना भाई, प्लीज। एक मिनट। तू हीरो है। गलती आपकी है सर। जबान देखो, हाथ मत लगाना। जाने दो ना भाई, प्लीज। एक मिनट। अरे ये ले हाथ लगा, बोल क्या करेगा। बोल क्या कर रही है ये ले फिर हाथ लगा, बोल क्या कर रही है साले। हाथ क्या, तेरे को तो पैर मारूंगा साले। क्या बोल, आंख नीचे कर साला। शर्मन जी गलती आपकी है साले। तू पैसे का एक्शन वाला साला, शर्मन कपूर के सिखा रहा है साला। तेरी मां की मादर। आइयोड़ा शर्मन भाई, ये तेरे को ना ले के जा, हट ले के जा। आका जी अब बात कर लिए, चले जाओ यार। यार ना या शर्मन जी, मैं बर्बाद हो जाएगा जी। आइयोड़ा सला, दिल करता है खुदाओं के भी खुदा होते हैं, और खुदा भी खुदाओं का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ नहीं, काम डाउन शर्मन। ये एक एक्शन सीक्वेंस है, और एक एक्शन सीक्वेंस एक एक्शन डायरेक्टर के बिना नहीं होता है। मेरा मूड नहीं है। इधर देख, इधर देख। डन डन। सॉरी सर। सर, मैं एक सजेशन दूं। बोलो। ये एक्शन सीन को छोड़ के गाना शूट करते हैं, और तब तक सर का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। गुड आइडिया। ये शेयर कर दी। क्या जी? लक्ष्मण। ये शेयर कर जी। व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या हुआ जी? ये अंदर क्या देखता जी? ये शेयर कर जी, क्या हुआ बोलता नहीं जी? कैमरे का क्लॉ टूट गया। आइयोड़ा। जे जे, शूट रुकना होगा। अयोड़ा क्या बोलता जी? ये शिप भी कैंसिल होएगा तो मैं बर्बाद हो जाएगा जी। तुमको मालूम नहीं एक शिप में कितना पैसा लगता जी? यामुर नार खर्चे दे हुआ, यामुर उड़ गिर ला। बात सिर्फ एक शिप की नहीं है, कैमरा वापस भेज के दूसरा मंगवाना पड़ेगा। अये वो तो 2-3 दिन लगेगा जी। ये 2-3 दिन लगेगा जी। कैमरा व्हाट जी? मूर्ति जी, कैमरा, ये चोर बाजार का कैमरा, ये चोर बाजार का कैमरा। में आप आइए तो यहाँ पर कुड़ी के नाल जबर करते। मगर 4 दिन यहाँ पे करेंगे क्या? यहाँ पे ना टीवी है, ना जिम है, ना फोन है। ब्लडी शिट। शर्मन भाई, अभी इतना एडजस्ट किया है तो थोड़ा और सही। बेचारे मूर्ति सर को भी पैसे का कितना नुकसान हो रहा है ना। ठीक है आशा, अगर तुम कहती हो तो ओके। शर्मन जी, आई लव यू। मुंह बंद कीजिए और जाके कैमरा भेजने का इंतजाम कीजिए। जाइए। अब क्या करें? इंतजार और कर भी क्या सकते हैं। 4 दिन यहाँ रुकूंगी तो पक जाऊंगी। नॉल पड़ेगी, टेक इट। ना, I hate folks। अरे जो बेचारा तुमसे शादी करेगा वो तो मर ही जाएगा। क्यों? अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। What? शादी और तुमसे? नो वेज। फिर किससे? आशा से। ए आशा जी कहो ओके, उनके लिए तो मैं शादी क्या, अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन वो क्यों मुझसे शादी करेगी? जब शर्मन और आशा जी की शादी हो जाएगी ना तो तुम उनके घर में नौकर बनना। लो फिर शुरू हो गई। शुरू? शर्मन तुम्हारी लव स्टोरी का एंड होगा। हेलो, देयर इज नो लव स्टोरी, ओके, ओनली वन साइड स्टोरी। यू आर सच एन इडियट एंड यू आर अ किड। मुझे यहाँ एक सीन शूट करना है। जय जय सर, ये लोकेशन पे पहुँचने के लिए पूरा यूनिट का 2 शिफ्ट लगता है जी। मेरे को भारी पड़ेगा जी। अभी टेंट यहाँ लगेगा, अकेला मैं नहीं लगाऊंगा, सब लोग हाथ बटाएंगे। ऑसम। तो शर्मन कट्टू, यू जंप फ्रॉम द माउंटेन इनटू द पीक ब्लू। एक कैमरा पानी के नीचे,
एक कैमरा तेरे बॉडी के ऊपर, इट्स गोइंग बी अ माइंड ब्लोइंग शॉट आई टेल यू। इट्स अ सुपर्ब आईडिया, थैंक्स जेजे। थैंक्स सर। जेजे सर, आप शॉट टेकिंग में मास्टर जी, गप्पर गुड़ ने हार के लिए आपका कोई मौका बना दीजिए। जी सर। जेजे सर, ये फिल्म में आइटम सॉन्ग होना, आइटम सॉन्ग ऐसा सॉन्ग है जिसमें थोड़ा मसाला, थोड़ा लटका, थोड़ा झटका, छोटा चड्डी, छोटा टाप। मूर्ति जी, देयर इज नो रूम फॉर एन आइटम नंबर। ये सॉन्ग के लिए रूम का कोई जरूरत नहीं जी, साउथ का सुपर हिट सॉन्ग में। आप कुछ लेंगी मैडम? नहीं कुछ नहीं। ये पकड़ो जी, ऑर्डर प्लीज। या एक्शन ऑफ कोर्स। या देखो देखो वो क्या है। टूटता तारा। टूटता तारा, लेकिन इट्स टू ब्राइट। टूटता तारा इतना ब्राइट नहीं होता। तो और क्या हो सकता है? ऐसा पहले कभी देखा नहीं। गाइस इट्स अ कॉमेट, धूमकेतु। यहाँ इस जंगल के तालाब का एक किस्सा सुनाता हूँ। यहाँ एक चींटी और एक हाथी रोज पानी पीने आते थे। एक दिन चींटी ने हाथी के कान में कुछ कहा और सुनकर हाथी बेहोश होकर गिर गई। आयोड़ा, बताओ उसके कान में क्या कहा? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हाथी का बच्चा। माता जी का चमत्कार, जय माता दी। ये क्या आवाज है? किसी जानवर की? नहीं, ऐसे कभी आवाज सुना नहीं मैंने। वाह वाह वाह, जय माता दी। क्या जी शर्मन जी, चुप। ये इंसान का आवाज नहीं जी, जानवर का जी। सेतु, 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 सेतु जी। एक मिनट, एक मिनट सुजल, आशा, क्या हो रहा है? व्हाट्स द इश्यू? कोई बंदर बंदर होगा उसके जैसा, मजाक कर रहा है साला। चुपचाप इधर बैठते हैं, चलो। साहब जी, ये बंदर अंदर की आवाज नहीं है। तू बड़े बंदरों को पहचानता है? कुछ नहीं, रिलैक्स। सेतु भाई, हम बहुत डर रहे हैं। देखिए हम कांप भी रहे हैं। प्लीज हमें और मत डराइए, प्लीज वापस आ जाइए। वो मजाक कर रहा है, बेवकूफ है साला। जब वो यहाँ था तब भी ये आवाज आई थी, अब वो यहाँ नहीं है तब भी वो आवाज आ रही है। मुझे लगता है शायद वो खतरे में है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, माना कि कोई जानवर हो सकता है, मगर वो कौन सा जानवर है, वो कैसी आवाज करता है, हमें नहीं मालूम यार। सो जस्ट रिलैक्स, वो एक जोकर है और हमें जोकर बनाने के चक्कर में है। फिर भी तुम लोगों को जाना है तो जाओ भाड़ में, मुझे आ रही है नींद, मैं सो रहा हूं। ओके गुड नाइट। चारमन जी, सेतु जी,
सेतु। जीप की चाबी इसके पास है। रखा चाबी। लेकिन सेतु ने कहा था कि हाँ ऐसा कोई जानवर नहीं जो इंसान को मारता। Maybe सेतु was wrong। उस साले को पता होना चाहिए था। वो तो इसी जंगल का था। बकवास। जानवर के अलावा और कौन हो सकता है? जानवर नहीं हो सकता। How can you be so sure? क्योंकि जानवर सिर्फ खाने के लिए मारा। जिस तरह सेतु की लाश पड़ी थी उसे खाने के लिए नहीं मारा गया। जानवर नहीं तो फिर इंसान? शायद उसके किसी दुश्मन ने उसे मारा होगा। 100% उसका कोई दुश्मन। आगा बोला ना तुझे गाड़ी संभाल के चला। कहाँ था संभाल के चला? कहाँ था संभाल के चला? अब यहां से बाहर तेरा बाप निकालेगा मुझे। अरे यार बोलने से पहले अपना थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया कर। और बाप का नाम लिया ना तो साला जिंदा गाड़ दूंगा तेरे को। ये लड़ने का टाइम है क्या? हम सबको ये भी नहीं मालूम कि सेतु को किसने मारा, और अगर हम साथ रहे तो ही हम यहाँ से बच के निकल पाएंगे। लेकिन आशा इस जंगली की वजह से हम यहाँ पे तेरे को बोला मैं। इसकी हीरो की रखा बंद कर। तुम पागल हो गए हो क्या? पहले सिचुएशन को समझो और यहाँ से बाहर निकलने का सोचो। आशा जी,
किस तरफ से जाएगा जी? इधर जंगल चारों तरफ एक जैसा, और जिसको रास्ता मालूम ना वो तो मर गया जी। अब जाएगा तो कैसे, किधर जाएगा? सेतु के साथ हम सुबह निकले थे, तब सूरज उस तरफ था और हम लोग इस तरफ आए। अब सूरज को रेफरेंस पॉइंट पे रखते हुए हमें उस तरफ चलना चाहिए। लेकिन सेतु ने अंदर आने के वक्त कितने सारे टर्न्स लिए थे? इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। We don't have a choice! कोई विकल्प नहीं है। तेरी विकल्प की तो साले तू ही ना चला दस लोकेशन पे शूट करने के लिए, तू ही ना चला साले, छोड़ देना चाहिए। प्लीज स्टॉप सर, प्लीज प्लीज आ तो जोड़ता जी। आप रास्ता दिखा दी, चलो सुजल हमें चलो से कह रहे हैं, चलो सर चलते हैं। सर वो सामान, हां ले लो सामान, ले लो सामान, निकालो गाड़ी से। Ayora! Ayora! Ayora!
समीरा, 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 क्या हुआ समीरा? समीरा, इसका मतलब वो जो कोई भी है वो सिर्फ सेतु का दुश्मन नहीं, वो हम सबको मारना चाहता है। जिस ताकत और फुर्ती के साथ उसने मूर्ति को खींचा है, मुझे नहीं लगता कि किसी साधारण इंसान के बस की बात है। ऐसा कौन सा जानवर हो सकता है जो शिकार को इस तरह मारता है बेवजह? ऐसा एक ही जानवर है। कौन? इंसान। ये इंसान का काम नहीं हो सकता। जिस तरीके से वो खून उबल रहा था वो क्या था? मुझे लगता है कि वो कोई अननोन एनिमल था। अननोन, अननोन। मुझे लगता है हमें यहाँ लाने के लिए मैं तुझे अज्ञात कर दूँ। तेरी फालतू बकवास बंद कर। रात हो रही है। बेहतर हम कहीं छुप जाएं। शाकी, उसने मूर्ति को दिन में मारा था, सेतु को रात में। इसका मतलब वो हम पर कभी भी कैसे भी हमला कर सकता है। लेकिन रात में चलना रिस्की है। सुजल इज राइट, लेकिन कहाँ? क्या लिख रही हो? मेरे मरने के बाद जब वो मुझे ढूंढने आएंगे ना तो ये पढ़ लेंगे। मम्मा ने आने से मना किया था। शाकी, मूर्ति का खून खोल क्यों रहा था? Yeah, it was simmering, जैसे कुछ पक रहा हो। जी जी, अपने इमेजिनेशन को यहां नहीं फिल्मों में दिखाओ, यहां रियलिटी में आओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण जी सर, पानी। ये लीजिए सर। तुझे क्या लगता है? क्या सर? किसने मारा होगा? सर ये मुझे जानवर या इंसान का काम नहीं लगता सर। अच्छा, तो फिर किसका? किसी काली डायन या चुड़ैल का काम लगता है। क्या बकता है? चुप, भूत भूत नहीं होते। हमारे गांव में हजारों भूत हैं। तो ठीक है, बता कि उनसे कैसे बच सकते हैं? सर जादू टोना, झाड़बू, जंतर मंतर, तावीज। ये तेरे हाथ में क्या? तावीज। जब तक ये तावीज हमारे पास है ना, कोई काली डायन, कोई चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती सर। गला सूख रहा है। पानी।
सब ठीक है? बोतल बेचारी समीरा बहुत डर गई है। हाँ शाजी। कॉल मी आशा सूजन। बेचारे मूर्ति जी जैसे इंसान के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती। मूर्ति जी, ये मूर्ति का गोल्डन मोबाइल, इसमें आपके उस दिन बाथरूम में आपके फोटोज, किसी और ने नहीं, मूर्ति ने लिए थे। Thank God, आशा is safe. कोई चीज हम सबको एक एक करके मारने के लिए पीछे पड़ी है और हम एक सांप से बच के खुश हैं। तो मम्मा का ख्याल रखना, मेरे बिना वो बिल्कुल अकेली है। समीरा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुजन, आशा सच में अच्छी है। मैंने उसके बारे में जो भी कहा उसके लिए I'm sorry। तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ सुजन, मैं जानती हूँ तुम आशा से बहुत प्यार करते हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें आशा जैसी स्टार मिलेगी। तुम दोनों एक साथ अच्छे लगोगे। Have you lost it? यहाँ मेक करके मर रहे हैं और तुम यहाँ लव स्टोरीज बता रही हो? Now just shut up and walk. हाँ सर, चल रहा है सर। सुनिए के, ये क्या हम लोग मरने के बाद एम्बुलेंस बनाने यूज करेगा? हाँ सर, इसमें आउटगोइंग नहीं है सर, इनकमिंग तो फ्री है सर, लाइफ टाइम। तेरी तो अभी रुक, कहाँ मरने जा रहा है? अब इस साले तू लुढ़क गया तो मेरा सामान कौन उठाएगा? चुपचाप मेरे साथ रहे, नहीं तो दूंगा एक कान के नीचे तेरे। अबे चपल गंजू, ऐसे क्या देख रहा है? अबे अबे आंख नीची कर आंख। अगर ज्यादा चपड़ चपड़ की ना तो यही मारेंगे सबके सामने। मेरी साइज पे मत जाना, साइज डोंट मैटर बॉस। ये शुद्ध देशी घी और सत्तू की ताकत है, एक ठूस तब ये से पड़ गया ना तो दिन में धूम केतु नजर आएगा, समझ गया ना? अरे इधर एक एक करके सब मारे जा रहे हैं और तुझे अपने सामान की पड़ी हुई है। सिर्फ जानवर ही अपने बारे में सोचता है, जो दूसरों के बारे में सोचता है वो होता है इंसान। शर्म नहीं आती तुझे? दो कौड़ी के एक्टर साले। जय माता दी, इंसान बन इंसान। जय माता दी। लगता है इसका आउटगोइंग शुरू हो गया।
हाथी। अरे सलाइस, गन में बुलेट सी नहीं है, ऐसे लेके घूम रहा था ये सेतु पागल। सुजल मेरा नाइफ दे। चलो की। सूरज का थ्योरी फेल हो गया, साला घूम फिर कर वापस वहीं आ गए। चलो इधर से चलते हैं। इधर क्यों? अरे कहीं तो जाना है ना, चलो। कम ऑन गाइस, कम ऑन। चलिए क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सुजल, आशा, आशा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जस्ट अ मोमेंट, रन, सुजल। कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। आशा भाई, डोंट मूव, आशा डोंट मूव, सुजल, आराम से, आराम से, आराम से। कुछ नहीं होगा, आशा, कुछ नहीं होगा। सुजल आराम से, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आशा, कुछ नहीं होगा। चलो चाकू दे। यू ओके? चलो चलो।
जेजे कहाँ है? सर जेजे 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 में जाओ, चलो जाके। यही कह के वो साला सेतु भी हमें यहाँ पे लाया था। शर्मन, अगर कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो अपना मुंह बंद रखो और ये मत भूलो कि सेतु खुद मर गया। फायर के वक्त हमने आकाश से कुछ गिरते हुए देखा था, कहीं ये चीज कोई अंतरिक्ष में से तो नहीं है? वो चीज चाहे जहां से भी आई हो, चाहे आसमान से या जमीन से, अब माता रानी ही हमारी रक्षा करेंगी। जय माता दी, जय माता दी। अंतरिक्ष से लेकर पाताल तक, शून्य से लेकर अनंत, विधाता ने इस सृष्टि में क्या क्या रच रखा है यह आज तक विज्ञान को भी नहीं पता। उनकी ऐसी ही कोई रचना आज भी हमारे लिए अज्ञात है। Thank you.
कोशिश की। मैं नहीं खड़ा हूँ। हिम्मत से काम लीजिए सर। उठिए सर। नहीं आप उसे मैं नहीं चल सकता। अरे ये खड़ा नहीं हो पा रहा है तो दौड़ेगा कैसे? उसको छोड़ो और चलो यहाँ से। राका शिखर जी हमारे अपने। अरे मेरा दोस्त है जानता हूँ मैं, पर मुझे जिंदा रहना है। चलो भागो यहाँ से। हम इनके बिना नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो। एक साला सबको मरवा रहा है सबको। साले लड़ने का बहुत शौक है ना तुझे? शेखर को अपना दोस्त कहता साले। मेरी हीरो की निकालता हूँ साले। रखा रुक जा। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ ये पागलपन छोड़ दे। रखो शेखर जी, ये क्यों किया आपने? तुम लोग भाग जाओ। नहीं मैं नहीं चाहता, मेरी वजह से तुम लोग मारे जाओ। नहीं पानी, लक्ष्मण पानी। शेखर जी, तू मर गया, मूर्ति जे और अब शेखर जी भी, वो जो भी है हमें एक एक करके मार रहा है और हम यहाँ आपस में लड़ रहे हैं। बंद करो ये सब, हम सब साथ रहे तो ही उससे निपट सकते हैं। नाउ प्लीज जस्ट लीव हिम प्लीज। लड़ने मरने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा जो साले तेरे पास नहीं है, इसलिए उछलना बंद कर नहीं तो यही काट दूंगा, समझा? मुझे मारना चाहता था, मुझे मार साला, बार बार मुझे अपनी हीरोगिरी दिखा रहा था। दिखा अपनी हीरोगिरी, दिखा। देख हम लोग अलग लोग हैं, एक लोग हैं, हमें इन लोगों को ऐसी सजा देनी चाहिए साला। हाँ ऐसे कुछ मार डालना चाहिए, काट डालना चाहिए। सुचल ये पागल हो गया है। मैं पागल? अजय साले, ये देख तेरे सामने राखा खड़ा है। अजय, अजय
पर चढ़ेंगे तो वहां से देख सकेंगे कि जंगल कहां खत्म हो रहा है। नहीं, मैं अब नहीं चल सकती। तुम लोग जाओ। कैसी बातें कर रही हो? चलो चलो, कोशिश करो। और कोशिश नहीं कर सकती, मुझे छोड़ो और जाओ। समीरा चलो। समीरा, समीरा कोशिश करो। समीरा, समीरा अपने लिए ना सही, अपनी माँ के लिए कोशिश करो। जन्मभूमि मुझमें इस माटी में जो बसी, रोम रोम कूप कूप में जो बसी, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करियचि, तुझमें मुझमें इस माटी में जो बसी, जन्मभूमि स्वर्गादपि करियचि। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय धरती माता, जय जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। समीरा चलो। सुजीत, और नहीं चल सकती। सुजीत, समीरा जस्ट शट अप एंड कम। समीरा, 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 जय माता दी, 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 ज
वो देखो नदी, उसको पकड़ के चले तो उसके रास्ते में कोई ना कोई गांव जरूर होगा। अब वही एक चांस है यहां से बाहर निकलने का। आशा, मैं तुम्हें कभी कह नहीं पाया आई लव यू। I've always loved you. मैं तुम्हें कैसे भी यहां से बाहर निकालूंगा। पानी से डरता है। वो चीखे याद है जब बारिश हो रही थी, तब भी वो ऐसे ही चीख रहा था जैसे उसे दर्द हो रहा है। और जब वो हमारा पीछा कर रहा था और हम पानी में गिर गए थे, तब भी उसने हमारा पीछा छोड़ दिया। उसे पानी से कुछ तो खतरा है, इसीलिए पानी में नहीं आ रहा है।
लेकिन हम हमेशा पानी में तो नहीं रह सकते ना। अगर हम नदी पार करके उस तरफ निकल गए तो बच जाएंगे। चलो भाई, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? फिल्म शूटिंग के लिए आए थे जंगल में। शूटिंग? हाँ। बाकी के लोग कहाँ हैं? सब मर गए। मारे गए। किसने? कौन? पता नहीं।